Poddar from Studio Purple Interior Design. So nice to see you lovely people. हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. नए जो दर्शक है, हमारा पहले वीडियोस भी देखिए, उसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज नेचुरल लाइट कमिंग इन टू योर हाउस. एंड आज का जो वीडियो है वो पार्ट वन है. इसका फॉलोइंग वीडियो पार्ट टू होगा, आप उसे भी जरूर देखिए. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नेचुरल लाइट को घर में आने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि मिरर सर्फेसेस या ग्लास सर्फेसेस या मेटालिक सर्फेसेस जो घर में है उनको थोड़े रखने चाहिए, थोड़े एक्सेंट्स रखने चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक कंसोल है, वो मिरर्ड कंसोल हो सकता है, या कॉफी टेबल जो है वो ग्लास का हो सकता है. एक जो पैनल होता है वॉल पे, वो आप ग्लास का बना सकते हो. एक मेटालिक एक्सेंट कंसोल हो सकता है, या एक मेटालिक चेयर हो सकती है, या मेटालिक वाज हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी अ मेटालिक वॉल आर्ट. ये सारी जो चीजें होती है ना, वो लाइट को बाउंस करती है, फिर घर में रोशनी हो जाती है बहुत सारी. जब मिरर्स की बात करते हैं तो आपको मिरर्स आपके विंडो के एडजेसेंट रखना चाहिए. जी हाँ, विंडो के एडजेसेंट जब आप मिरर रखते हो ना, तो क्या होता है, जो अंदर सनलाइट आता है वो डायरेक्टली मिरर के ऊपर बाउंस होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है. इससे क्या होता है, पूरा रूम ब्राइटन अप हो जाता है और जो सनलाइट अंदर आता है वो डायरेक्टली डबल हो जाता है. देन व्हाइल यू आर पेंटिंग योर वॉल्स, यू शुड यूज लाइट कलर. लाइट शेड्स आप जब वॉल पर इस्तेमाल करते हो तो इट एक्ट्स लाइक अ मिरर. वो दीवार जो होती है मिरर का काम करती है फिर. और अगर आपका पेंट जो होता है वो सेमी ग्लॉस फिनिश हो, ज्यादा ग्लॉसी नहीं होता, पेंट नहीं यूज करना चाहिए, उससे आंखों को तकलीफ होती है. सो यू शुड यूज अ सेमी ग्लॉस पेंट. उससे क्या हो जाता है ना कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरे रूम में. देन जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल कलर द सीलिंग्स इन व्हाइट कलर. व्हाइट कलर सबसे कॉमन होता है सीलिंग पेंट करने के लिए. लेकिन आपको अगर थोड़ा हटके डिजाइन करना है तो आपका जो वॉल शेड होता है उससे अगर टू शेड्स लाइटर आप सीलिंग को कलर करेंगे तो भी आपका घर में सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. प्लस आपकी जो स्पेस है वो टॉल लगेगी, लार्जर लगेगी और स्पेशियस लुक आपके घर में आ जाएगा. व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज व्हेन यू आर डिजाइनिंग द विंडोज, जब घर के विंडोज की बात आती है, अगर आप किसी बंगलों में रह रहे हो या आप कोई नया घर बना रहे हो, तो आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि विंडो का जो फ्रेमवर्क होता है उसको आप मिनिमम रखिए, और विंडो पेन जो होता है, तो मेन जो ग्लास पैनल होता है उसको आप वाइड ले लीजिए. उससे क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट घर के अंदर आ जाता है. जब फ्रेमवर्क मोटा मोटा रखते हैं और ग्लास छोटा रखते हैं तो विजुअली भी ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता है. बट आपका पर्पस क्या है, सनलाइट अंदर आना. सो दैट इज व्हाई आपने फ्रेम को कम रखना चाहिए. दीज डेज यू गेट वेरी गुड कंपनीज जो अच्छी विंडोज बना के देते हैं, एंड दे हैव ग्रेट टेक्नोलॉजी जिससे आपकी फ्रेम साइज रिड्यूस हो जाती है और विंडो की जो ग्लास साइज होती है वो बड़ी हो जाती है. आपको डेफिनेटली ये यूज करना चाहिए और बहुत सारी रोशनी आपके घर के अंदर लेकर आइए. हमारे अगले वीडियो में हम इसकी कंटिन्यूटी करेंगे. देयर आर मोर 5 पॉइंट्स फॉर यू. तो स्टे ट्यून्ड, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, हमारा ब्लॉग्स भी पढ़िए हमारे वेबसाइट पर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो.